सो गाइस, अगर आपका बजट यहाँ पर 12,000 रुपए तक का और आप 12,000 के अंदर अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर गाइस आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के साथ में दोस्तों अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाए, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ, हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन भी परचेस करना है दोस्तों, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज हिंदी। बात करते हैं यार उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों रैम और स्टोरेज के साथ में गाइस यार मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए दोस्तों, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों यार पोको की तरफ से पोको M3। गाइस जो स्मार्टफोन है यहां पर आपको मिलती है 6GB रैम, 128GB की इनबिल्ट मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512GB तक, और गाइस यहां पर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको एप्स की लोडिंग टाइम भी दोस्तों काफी कमाल की देखने को मिलेगी, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इस फोन की दोस्तों तो यहाँ पर आपको डिजाइन भी दोस्तों काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जहां पर गाइस आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा की दोस्तों, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से नॉर्मल इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी बैकअप गाइस, तो यहाँ पर आपको 6000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको यार 18W की फास्ट चार्जिंग और USB टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। गाइस अगर बात की जाए यहाँ पर परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों डे टू डे टास्क के लिए काफी बढ़िया प्रोसेसर है। गाइस यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। गाइस यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस फोन की यार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्टीरियो साउंड, तो गाइस यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल का देखने को मिलेगा। गाइस अगर आप मूवीज वगैरह वॉच करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जो स्मार्टफोन यार 12,000 की रेंज में अगर आपको रैम स्टोरेज के साथ में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको यहाँ पर गेमिंग करनी है और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर ज्यादा रैम और स्टोरेज भी चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों पोको की तरफ से पोको M2, जो कि आपको मिल जाएगा 11,000 रुपए की प्राइस पर, जहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगी 6GB रैम और 128GB की इनबिल्ट मेमोरी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का दमदार गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर गाइस आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर भी आपको फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो गाइस अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है गाइस, तो आप यहाँ पर इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगला फोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 20, जो कि दोस्तों आपको मिल जाएगा 11,500 की प्राइस पर, जहाँ पर आपको मिलती है 4GB रैम और 128GB की इनबिल्ट मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे गाइस 256GB तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यार यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, यहाँ पर गाइस आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल्स और कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करें कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इमेज क्वालिटी की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और गाइस अगर बात करें बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 6000mAh की मैसिव बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, जहाँ पर गाइस आपको डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, और गाइस अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन भी ढूंढ रहे हैं दोस्तों रियलमी की तरफ से, गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको रियलमी की तरफ से यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट वाले और अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर रियलमी 7i को भी देख सकते हैं। गाइस ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ ही गाइस इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का, और गाइस यहाँ पर आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 6.5 इंच की 5000mAh की बड़ी बैटरी, और गाइस यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 4/64 वाला जो वेरियंट गाइस आपको मिल जाएगा 12,000 रुपए की प्राइस पर। तो दोस्तों अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड गाइस, तो आप यहाँ पर इस फोन को भी जरूर से देख सकते हैं। अगले फोन की और अगला फोन है गाइस यहाँ पर सैमसंग की तरफ से सैमसंग M12। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये भी आपको 11,000 की प्राइस पर मिल जाएगा, जहां पर आपको मिल जाएगी 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे दोस्तों 512GB तक। गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन और लुक की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर गाइस आपको मजबूती भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि गाइस सैमसंग के स्मार्टफोन काफी मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली TFT पैनल देखने को मिल जाएगी गाइस, जहाँ पर आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है।
वैसे एटलीस्ट यहाँ पर आपको कम से कम IPS LCD डिस्प्ले और यार फुल HD प्लस रिजोल्यूशन होता दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात होती। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस फोन के कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर भी सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करें इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें बैटरी बैकअप गाइस, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर गाइस आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यार डेली टास्क के लिए यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा Exynos 850 का, जो कि गाइस यार 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। गाइस यार यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिलेगी ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस अगर बात करें गेमिंग की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको उतनी अच्छी गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आप सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन लेना चाहते हैं हाई रिफ्रेश रेट और बजट के अंदर, तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं अगले फोन की दोस्तों, की तरफ से मोटो G30 की दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये भी आपको मिलेगा 11000 रुपए की प्राइस पर, 4GB RAM 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है दोस्तों, जिसका मतलब होगा गाइस या तो फिर आप एक साथ दो सिम लगाएं, या फिर गाइस आप एक साथ में एक सिम और एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर भी आपको डिजाइन और लुक दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक की ही बॉडी देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको वाटर रेपेलेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब कि आपका जो स्मार्टफोन है गाइस हल्के फुल्के पानी में भीग भी जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फोन बिल्कुल भी सेफ होगा। और गाइस सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गाइस बात करते हैं आप मेन फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर गाइस आपको HD प्लस रिजोल्यूशन दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। गाइस बात करें यहाँ पर कैमरा की दोस्तों, तो बैक में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इमेज क्वालिटी का, तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर को दिया गया Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों यार 11 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो गाइस यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग में दोस्तों कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको यार उतनी अच्छी गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट, अच्छे क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड, साथ ही गाइस अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगला फोन है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1। वैसे तो गाइस ये स्मार्टफोन 11000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों अब इसकी प्राइस बढ़कर हो गई है 11.5 हजार रुपए, जहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगी 4GB RAM और 64GB की इनबिल्ट मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक। गाइस यहाँ पर भी आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर गाइस आपको किसी भी तरह के कोई ब्लॉटवेयर ऐप या फिर एड्स भी नहीं मिलेंगे, जो कि गाइस यार एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर भी आपको डिजाइन और लुक दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही गाइस बैक में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले, जहाँ पर गाइस आपको डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल का दोस्तों यहाँ पर आपको पंचोल कटआउट के साथ में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की गाइस, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यहाँ पर गाइस आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग में दोस्तों कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको गेमिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको यार इंडियन ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन लेना है और आपको सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए दोस्तों, तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर इस लिस्ट के सबसे आखिरी फोन की गाइस, और आखिरी फोन यहाँ पर रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10। गाइस यार 12000 की प्राइस पर ये एक बहुत ज्यादा कमाल का फोन है गाइस। यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4GB RAM 64GB की इनबिल्ट मेमोरी, और दोस्तों आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे 512GB तक। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल का दिया गया है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको मिलती है सुपर एमोलेड की डिस्प्ले 6.43 इंचेस की, जहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करें यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में यार 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ज्यादा कमाल की बात है।
के साथ में दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की गाइस, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल की देखने को मिलने वाली है गाइस। कि गाइस यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 678 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है यार, इस प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। गाइस आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग भी दोस्तों बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन गाइस अगर आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड का सपोर्ट भी दिया गया है। ऐसे यार यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जो स्मार्टफोन है यार 12,000 की रेंज में एक बहुत ज़्यादा कमाल का फोन है दोस्तों, तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है दोस्तों तो जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा इसकी पोको M2 प्रो दोस्तों, जो कि आपको मिल जाएगा 13,000 रुपये की प्राइस पर। देखिए दोस्तों सेल के दौरान यही स्मार्टफोन आपको सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाता है। गाइस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का, जो कि दोस्तों एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चिप है दोस्तों। यहाँ पर आपको डेली टास्क और मल्टी टास्क में दोस्तों कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गाइस यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस भी उठा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगी 6.7 इंच की बड़ी फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले। जहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। साथ ही गाइस 16 मेगापिक्सल का दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 4GB रैम और 64GB वाली जो वेरियंट दोस्तों, ये स्मार्टफोन आप 13,000 की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा कमाल का फोन है दोस्तों, अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी तरफ से कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट। उम्मीद आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी, और साथ ही गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।